कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में आयोजित इनेलो के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची सुनैना चौटाला ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। सुनैना चौटाला ने कहा कि पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन चंद दिनों में ही पंजाब में ही आपकी कलई खुलकर सामने आ गई। सुनैना ने इस मौके पर यह भी कहा कि हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है और यहाँ पर आपका कोई भी जादू चलने वाला नहीं है। जी, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोगों में, कई लोगों में, मैं ये नहीं कहूँगी इतना भी कोई सैलाब नहीं आया है ज्वाइनिंग का, लेकिन कई लोगों में ये धारणा पंजाब को देख के आ गई, लेकिन हरियाणा की राजनीति में और पंजाब की राजनीति में फ़र्क है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो रही, ऐसा ड्रामा इलेक्शन से पहले हुआ कि कभी किसी को पदाधिकारी बनाया जाता, कभी किसी को, तो उनकी जो आपसी फूट है उसके चलते एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को लोगों ने देखना शुरू किया और वहाँ पे वोटिंग हुई। लेकिन अभी आपने देखा होगा काली माता मंदिर के सामने जो दंगे फसाद, जो तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि अगर मजबूती से कोई सरकार चला सकने में सक्षम रहे हैं, इतिहास गवाह है, वो इंडियन नेशनल लोकदल रही है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रहे हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को ऊपर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अभी इसी कड़ी में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने, अभय सिंह जी चौटाला ने ये निर्णय लिया है कि महिला शक्ति को, क्योंकि महंगाई की मार इतनी बढ़ चुकी है, उनको बच्चे पढ़ाने में इतनी मुश्किल होता है, कई बेटियों को घर पे आके रहना भी पड़ जाता है, तो ऐसे में 1100 रुपए की राशि जिस दिन भी सरकार बनेगी तभी से 1100 रुपए हर महिला को राशि देने का काम। निकाय चुनाव आने वाले हैं तो जितने भी प्रत्याशी रहेंगे वो इनेलो के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, इनेलो के चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और मैं प्रत्येक हलके से, प्रत्येक निकाय चुनाव के जितने भी हमारे स्टेशन हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दो और हरियाणा को बचाओ। सुनैना चौटाला ने इस दौरान महिलाओं के उत्थान को लेकर कई दावे और वादे भी किए। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर महिलाओं को 1100 रुपए भत्ता दिया जाएगा ताकि महिलाओं को बढ़ती महंगाई से राहत मिले। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।